नमस्कार, न्यूज आफ्टर में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को डिप्यूटी कमिश्नर अंजलि शेरावत आईएएस ने डिगलीपुर के दुर्गापुर गांव में बने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुनाल फिश सीड हैचरी का निरीक्षण किया। उनके साथ डिगलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर अंकित कुमार यादव आईएएस और असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज तपन विश्वास भी मौजूद रहे। डीसी मैम ने कुनाल फिश सीड हैचरी के मालिक से इसके बारे में जाना। आइए जानते हैं न्यूज आप तक के चेयरमैन जे बॉबी के साथ। कौन सी वैरायटी आपके पास? कतला है, रोहू है, सिल्वर कप, ग्लास कप, पंगास बोलता है, आप रूपचंद है आपका। ये साइड भी है हमारा दोनों सब। हमारा 400 kg अभी तक हमारा स्क्वाड है। यहाँ इसी तरह और एक पॉइंट है नीचे थर्ड, और एक पॉइंट है उसमें भी इस तरह स्क्वाड है। कितना एरिया है इसका? 45 meters लंबा है आपका, 45 feet। सर ये ना इसको जो फीड दो इसको हम लोग कलेक्ट करके नर्सरी है वो लाइन की सेवन नर्सरी है, वो जो बोर्ड भी लगा है उसमें नर्सरी पॉइंट है। वो नर्सरी से जब हम फेल करेगा इसको यहाँ इसका करेंगे, इसको ऑक्सीजन जरूरत है, फिर वो पाइप लाइन से हम लोग क्या ऑक्सीजन इस पानी का फिर से ऑक्सीजन देगा उसको फेल के लिए रखते हैं। कभी भी फार्मर कोई आएगा फटाफट यहाँ से कलेक्ट रेडीमेड दे देगा। मैम इन्होंने अपने हिसाब से कुछ इनोवेशन भी किया आप थोड़ा दिन को आने पूरा फुल फुल दिखा सकते सर आप। आइए थोड़ा तो आइए थोड़ा अंदर। कितनी आपको इनकम कितनी रहती है सर? ये फसल में 7-5 लाख आई है। पहले क्या करते थे? पहले तो हमें वही खेती वगैरह ये सब इससे इससे भी थोड़ा कम होता था। फिर आस्ते आस्ते हम प्लान सोचा कि यही रास्ता में हम जाएँ और प्रधानमंत्री मात्र संबंध स्कीम में हम भी देखा फिर इसमें हम आगे उसके इंटरेस्ट में है। हमारा जो यहाँ का जो FDO एक्सटेंड डायरेक्टर के बारे में आपको पता चला? हमारा FDO यहाँ का जो है क्योंकि उसका एक्सटेंड डायरेक्टर से हम लोग संपर्क में हम लोग किया और उसकी न्यूज़ में भी कुकिंग में पूरा नेट इस एक साथ मतलब 400 kg 500 kg आ जाएगा वो नेट में पूरा एक। हाँ उससे ज़्यादा है मैडम। हाँ उससे ज़्यादा है। ये हमारा लेबोरेटरी है मच्छी का जो ब्रीडिंग वगैरह करें उसको लिया हुआ क्या चेक करते हैं मैम? जरा जो वहाँ पर इलाहाबाद में जो मिलियन से जो सीट मांगने मंगा रहा है वो टाइम बनाया जरूर जरूर उधर से जो उधर हम ही तैयार करते हैं, हम ही तैयार करता है। हमारे पास बूडर ऑलरेडी तैयार है, हम 2018 से बूडर को रेडी करके रखा। एक बूडर का वेट है 4 kg 500 है, 5 kg है, इस तरह एक बूडर है सब रेडी है। वो जो भी उसको क्या है स्वीट से जब उसका बच्चा निकालेगा उसको रनिंग करना 3 दिन उसको नहीं तो बचने मर जाएगा नहीं तो उसमें रखना 3 दिन बिना अपना खाना में इसमें रहना। फिर उससे हम लेके कर फिर हम नर्सरी में लेके जाएगा, नर्सरी में छोड़ देगा सब होगा 1 in 15 दिन में बड़ा होगा सेल शुरू हो जाएगा। और हमारे जो मेडिसिन वगैरह उसका भी ये फीड है दाना टेक्निकल नॉलेज कम हमारा यहाँ हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर इसी है। हमारा पास FDO यहाँ का था साइलेस था वहाँ टेक्निकल वो वहाँ भी यहाँ नहीं ट्रांसफर हो चुका है यहाँ उनसे ही हम स्टार्ट किया। आपने कोई कुछ ट्रेनिंग नहीं? हम मिलन जगह हम ट्रेनिंग नहीं किया कलकत्ता में मालदा में। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।